और कल हमें गोवा जाना है, अभी एक्टिंग कर रही है, कल नहीं जाएगी। ए, आंटी बोला मुझे इसने तो। थैंकफुल टू माई वाइफ, आज मुझे नई कार गिफ्ट करी है। वाह, मन में तो मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। भाई शेर ने जो कलेश पाया है, ये इंसान जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सब कॉमेडियन ने महंगी महंगी कारें ले ली हैं। किसी ने मर्सिडीज लिया है, किसी ने बीएम लिया है, और किसी ने रेंज रोवर लिया है। तो भाई मेरे भी मन करता है यार लेने का यार चीज़ें। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई वाइफ, जिन्होंने आज मुझे नई कार गिफ्ट करी है, और उसकी हम अभी हम जाके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, मतलब अनरिवीलिंग करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे को रूबीकॉन बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। मतलब मेरा मन करता है, अगर मैं कभी ऐसे फालतू खर्चा करूँगा तो मैं रूबीकॉन लूँगा इंस्टेड ऑफ एनी अदर कार। बट फाइनली श्रेया ने आज ऐसा गिफ्ट दिया, मैं शुगर के आया, मेरा दिमाग फट गया है भाई। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच। ये देखो दोस्तों, श्रेया रूबीकॉन ले आई है मेरे लिए। तो हमने हमारी भी लग्जरी कार इज हेयर। लगाओ इसमें। हाँ रुको ना, दिखा रही हूँ मैं तुझे को भी। अच्छे दिखा तो एक बार। अरे क्या कर रहा है? रुको ना, लाइट वेट भी। हाँ लाइट जलेगी, बीच में कर लेकर आ उसको। ओह मैन, ऐसे तीन चार मंगवा लो, नहीं मजा आएगा। गोभी ये नहीं देगा तुम? क्या बात कर, दरवाजा ही खुलता है इसका? तुझे नहीं पता क्या बोलते हैं? वो नट कैसे? और अंदर में जीप। खोलो डिक्की। और ये ऊपर का भी खुलता है, पर ये मतलब मुझसे नहीं खुल रहा है। पर ये और कितने का? ये दिखा तो। 2-3 हज़ार रुपये का होगा। नहीं ये है 80 लाख। ये भाई ये तो असली गाड़ी रखी है धोनी। गुब्बी फोन रख दे प्लीज। एक सेकंड, सोना नहीं है क्या? अरे यार मैं कुछ देख रहा हूँ एक चीज यार। गुब्बी फोन रख। गुब्बी श्रेया अपने जानबूझ के अपने व्लॉग के लिए ना, जबरदस्ती कंटेंट के लिए मेरा इरिटेट करना बंद कर दो प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। गुब्बी यू आर स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, आई वांट टू स्लीप। ओके श्रेया, डोंट डू दिस। ओके आई डोंट लाइक दिस। यू लाइक इट और नॉट देन गो टू द अदर रूम एंड सी। यहाँ बैठ के मेरे आंख में एकदम लाइट जला। आप जो मेरे मुंह पे टीवी चलाते हो जब मैं सोता हूँ? हाँ सोता हूँ, कभी नहीं चलाती, मैं तुरंत बंद कर देती हूँ। ये इंसान जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। मैं कहाँ सीधा लगता हूँ श्रेया? आई हैव नेवर डन एनीथिंग टू प्रूव दैट आई एम सीधा। आई ओनली एक मैंने इसे बेड पे चद्दर क्या बिछाने बोल दी। आई ओनली डू व्हाट आई एम। ओके मुझे ये चद्दर अच्छी नहीं लग रही, ये वाली चद्दर नहीं बिछेगी, दूसरी चद्दर। तो जाकर लेकर आया करो ना, घर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी संडे के दिन तो 4-4 घंटे क्रिकेट खेलते हो है? और खुद ही बोलते, जब मैं बिछाती तो श्रेया आप अच्छे से चद्दर नहीं बिछाते हो, मैं अच्छे से बिछाता हूँ। तो मैंने कुछ तो इसने गंदा बोला, ए आंटी बोला मुझे इसने, तो मैंने इसे बोला ए टकले चुप रहे। तो बोलते श्रेया मैंने बहुत गंदा कमबैक अपने मन में सोच लिया है, और वो सोच सोच के खुश हो रहा है कि इसने मुझे कमबैक दे दिया। बता तो सही, नहीं बताऊंगा कभी, कतई नहीं बताऊंगा। मतलब समझ में आ ही रहा है, एक नंबर का घुन्ना है। इतनी गंदी बात बोली है ना मैंने आपको। हाँ आप सोच भी नहीं सकते, मेरे को सोच रहा हूँ तो लग रहा है कितना घटिया इंसान हूँ। बुलवा तो मैं लूंगी, इंसान तो मैं घटिया ही। अंदर से तो जो बुलवा तो लूंगी मैं तेरे किसी वल्नरेबल टाइम पे। जो, अरे हाँ? तो बोल तो सही। कुछ नहीं यार, ऐसी मजाक करा, छोड़ो। अच्छा क्या ही नहीं बोला इस कांटेक्ट, कोई हिंट तो दे। जब इंसान के पास कुछ भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं। अच्छा तूने बोला है मुझे गंदा मन में, मैं जब गई तो कुछ तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था अंदर, और फिर बोले शायद मैंने आपको मन में एक बहुत गंदा कमबैक दे दिया है। हाँ तो वही तो, जब इंसान के पास कुछ होता है तो ऐसा बोलते हैं, मन में बोला शायद मैंने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा वाह, मन में तो मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, मैं तेरे लिए भी कुछ भी सोच सकती हूँ। यू कांट स्टूप डाउन टू द लेवल दैट आई हैव स्टूप्ड। तो बोल तो सही। नहीं आई विल नेवर से एनीथिंग। यू विल नेवर से, तेरे में हिम्मत ही नहीं है। हाँ नहीं है, मैं भूख रहा हूँ, मैं नल्ला हूँ। हिम्मत है तो बोल के देखा क्या बोला है। मैं नहीं बोलूंगी कुछ, माफ कर दूंगी तुझे। अरे नहीं भाई मैं नहीं बोलता, मैंने बोला ही नहीं। बोला होगा कुछ गंदा, पता नहीं किस किस कॉन्टेक्स्ट में, बता तो सही। वही बताऊंगा। चलो छोड़ दो। दोस्तों आज मैं दो लोगों से मिलके आया, बहुत अच्छे हैं, मतलब दो बहुत अच्छे यार हमारे ब्लॉग के इतने फैन, मतलब कि उन लोगों ने सब देखा हुआ है, सब कुछ मिले हैं। तो फिर जब बैठे हैं तो 120 ml हो गया थोड़ा।
भाई शेर ने जो कलेश पाया है, और कल हमें गोवा जाना है, अभी एक्टिंग कर रही है, कल नहीं जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी तो देखना नहीं। मैं लेके ही जाऊंगा। अच्छा, और डोसा बना रही है, मेरे को डोसा बना खिला दी, पूछ लिया कि डोसा खाया गया। मैं कहीं जैसे शेर ने मुझे डोसा खाया गया, ठीक है वो तो चली लेंगी। भाई गोवा की बुक करी करी टिकट्स, होटल बुक सब कुछ, कौन ही छोड़ेगा। मैंने एकदम क्लियरली बोला आज मत पीना प्लीज, मत पीना। श्रेया नहीं पिया है। बोला श्रेया मैं नहीं पीना। श्रेया 120 ml पीने नहीं होता है। किसने बोला? मुझे पिला, देखती हूँ मैं कैसे दिखाती हूँ, मैं कैसे भंड होती हूँ। चलो आई एम इन। क्या बोला किसने? कैपेसिटी बढ़ी जा रही ना तुम्हारी, उसके बाद 180 भी नहीं होगा पीना। मेरे अंदर वो नहीं है ना कि बदतमीजी पे उतरा। अच्छा डोसा बदतमीजी पे उतरा तो हंस लेना, वो भी नहीं जा रही कल गोवा। हम जाएंगे वो भी, मैं सारी टिकट कैंसिल होगी, क्योंकि तब जब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा ना, एक तब तक तो मैं समझ गई हूँ तू यही करता रहे। तुझे लगता है श्रेया तो मान ही जाती है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है, उसके बाद फिर मान जाती है। सबक देखो दोस्तों, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ब्लॉग में भी, कि मैं गोवा में, हमारा 4 दिन का ट्रिप है, मैं बिल्कुल छूने भी नहीं वाला हूँ अल्कोहल। इट्स गोइंग टू बी हेल्थ ट्रिप। हम सुबह सुबह पियेंगे स्मूदी बोल। चलो 4 में से 1 दिन तो अलाउ करो। खैर छोड़ो, मैं ही चुड़ैल लगती हूँ सब चीज में। ओ शी सो कंट्रोलिंग। अच्छा कंट्रोल है, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, मुझे ना शराब पसंद नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग शराब पीते हैं, और मुझे शराब अच्छी भी नहीं लगती है। तो जब गौरव पी कर आता है तो मुझे गुस्सा आता है इस पे बहुत ज्यादा। पापा का सही था, जब पीते थे रात को घर ही नहीं आते थे, अगले दिन सुबह आते थे। मुझे चिड़ मचने लग जाती है। चिड़चिड़े तो हो रहे हो आप आजकल। चिड़चिड़े में, क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी है ना, वो भी पता नहीं क्यों तू करके रखता है मुझे चिड़चिड़ा। अब भाई इंसान महीने में 20 दिन तो घूमता ही रहता है, घूमता इन द सेंस की काम की वजह से जाता रहता है इधर उधर। बचे 10 दिन, नहीं सुनना मेरी बात, बचे 10 दिन, 10 दिन से 5 दिन इसे अपने दोस्तों को देना होता है, ठीक है। और बचे 5 दिन, उन 5 दिन में इसे लोकल में इसे कहीं दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ इसको घूमना है फिरना है ये करना है, ठीक है। घर पे चैन से तो बैठना ही नहीं है कि भाई बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, बातें करूं। मैंने और बोला मुझे नहीं है यार, तू सोशलाइज कर, तू कर ना, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, तू कर, दो लोगों से मिलिए कर। ये पीना वीना तो रोज क्या है यार, 10-1,000 लोग, तू ऐसे एक्सट्रोवर्ट है इतना, 1,000 लोग तुझे मिलेंगे, कोई बोलेंगे अब आप मैं हमारे साथ पियो, आप तो तेरा तो ताता खत्म ही नहीं होगा फिर। वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ। बेवड़े लोगों की ना यही वो होती है, बेवड़ा कहीं का। जब देखो शराब देखते हैं, मैंने बोला तो बेवड़ा वर्ड भी यूज करो। और क्या है, तू वही है, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट लाइक इट, आई एम योर वाइफ ना, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनूंगा, पर आधी सुनूंगा, आधी अपनी भी तो करूंगा। आप आपका भी क्लियर है लाइफ में, आप जैसे हो वो आप वैसे हो। एंड आई चेंज माय सेल्फ फॉर यू। आई समटाइम्स आई गो आउट ऑफ माय वे, मुझे नहीं पसंद भी होता है कहीं पे जाना, तो एग्जैक्टली फिर भी मैं जाती हूं कि नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, समटाइम्स ओनली। सो समटाइम्स आई मीन आई विल चेंज, बट नॉट ऑल द टाइम। तो यू ना, फिर ये गोभी ये नीचे गिरा हुआ था, ये क्या खा रहा है? क्या ये प्याज? यार आप पहले बताया करो ना सुबह से। दिख नहीं रहा है क्या तुझे? गंदगी है उसमें। आई हैव मैं खा गया, बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। चाहिए और डोसा? थैंक यू, नो मोर। तो एक एक शर्त पे जाऊंगी गोवा। सुबह क्या सोचा था गंदा खाने का बोलता है? कुछ नहीं बोल, हमें सर पे हाथ रख के बोल रहे थे, वही सोचा था। मैंने बोला मुझे प्लीज, तो ऐसे गंदा सोचता है मेरे बारे में? गंदा नहीं सोचो, गंदी बात है बस, मैं आपके बारे में नहीं है वो गंदा, उस बात ही गंदी है। मतलब भगवान कसम, ऐसे आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी उसके बारे में नहीं है, बस वो बात ही गंदी है कि एकदम गंदी बात। जैसे अब गोवा की कंडीशन भी आ चुकी है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम दोनों गोवा जा रहे हैं कल, और अच्छा खासा मैं इतनी एक्साइटेड थी, गई थी शॉपिंग वॉपिंग करने सब की, भाई गोवा जाएंगे। एकदम मेरा मूड का ना ऐसा धज्जी उड़ाया ना तूने, और नहीं तो क्या, यू आर एक्सपर्ट इन दैट, पता है? एकदम आया डांट ना, मजा आया आपको, क्या चिल्लाया यार मैंने तो, रुका मजा आ गया मुझे बोल, गौरव ऐसा भाग के आया। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel, because next vlog is surely going to be out very soon, because next 2 vlogs are already ready. And one of the vlog, the next one is going to be, will Shreya Goa jayegi? Next one नहीं, यही वाला। Yeah, अब इसमें जाएगी नहीं? गौरव को पता ही नहीं इस vlog में आए क्या। Okay. कुछ भी बोल रहा है। Because I only believe in creating. Editing is your job. It's your KRA. That's it guys, thank you, and next vlog will be out pretty soon for sure, this time within kitne din mein ho jayega,
मुझे क्या पता, जितने दिन में तो कंटेंट बनाएगा, बना तो बड़ा है दो का। बना दे, एडिट बोलना जल्दी, खत्म करना प्लीज। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट विद इन 2 डेज।